Hey guys, welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अभी अभी कुछ दिन पहले एक नए टाउन में शिफ्ट हुई है और अपनी जॉब की वजह से उसे बस तलाश है तो किसी एक रेंटेड फ्लैट जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, पर इतना अच्छा होगा उसने ये सोचा नहीं था। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सारा नाम की लड़की जो अभी अभी लॉस एंजलिस में शिफ्ट हुई है, वो एक कॉर्पोरेट ऑफिसर है। उसका काम है लोगों को लोन सेल करवाना। वो अभी यहाँ पर घर ढूंढ रही है तभी उसकी नजर एक अपार्टमेंट पर पड़ती है जो कि उसके बजट के अंदर ही था और काफी अच्छी लोकेलिटी में भी मौजूद था। वो अंदर जाने का सोचती है और डोर बेल को बजाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इत्तेफाक से गेट अपने आप ही खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर उसे ब्रायन नाम का लड़का मिलता है जो उसे हाई करके ग्रीट करता है, जिसके बाद सारा को एडी नाम की एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे काफी अच्छे से वेलकम करती है और उसे बेटी कहकर पुकारती है। लेकिन तभी उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए सारा और वहाँ मौजूद लोग उनके पास जाते हैं, उन्हें संभालते। उनका कहना था कि ये बस एक वीकनेस की वजह से हो रहा है, जिसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है जहाँ के रूम्स को वो देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो पहले कमरे में आ जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसी की तरह थे, यहाँ पर रूम देखने के लिए आए थे। अब वो इतने लोगों को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये तो उससे ज़्यादा ही पैसे दे रहे होंगे, इसीलिए बेहतर है कि यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन उसे जाते हुए देखकर जरी नाम का मिडिल एज आदमी उसे रोक लेता और कहता है कि आप भी फ्लैट देखने के लिए आई थी? तो सारा कहती है कि हाँ, लेकिन शायद अब मेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत जगह बाकी है। जिसके बाद वो सारा को उसकी नीड पूछता है, उसे कैसा फ्लैट चाहिए। वो बताती है कि मुझे वन रूम सेट चाहिए विद अटैच बाथरूम। वो कहता है कि ठीक है, पर ये सिंपल सा फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर हमें लगेगा कि आप ठीक हो इस फ्लैट के लिए तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वैसे भी आप दिक्कत मत, हमें आप जैसे लोगों की ही जरूरत है फ्लैट के रेंटल के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बुरे बुरे लोग भी आते रहते हैं। ये बात सारा को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और स्माइल करते हुए उस फॉर्म को भर देती है। अब जेरी उसे आखिरी में बताता है कि इस अपार्टमेंट में किसी भी तरह का पेट अलाउ नहीं है, ज्यादातर लोगों को इस पेट से एलर्जी है। तो सारा कहती है कि उसके पास तो कोई पेट है ही नहीं। अब वापस आते हुए उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके उसे ये फ्लैट मिल जाए, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। अब यहाँ सारा को हम उसके रीसेंट घर में देखते हैं जहाँ वो कॉल पर अपने डैड से बात कर रही होती है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि उसकी कुछ खास बनती नहीं है अपने घर वालों से और इसीलिए वो उनसे दूर रहने के लिए आई है। तभी हम एक और बात नोटिस करते हैं कि सारा के पास एक कैट है, यानी कि एक पेट है। उसने जेरी से झूठ बोला। अब ये झूठ उसे कितना महंगा पड़ेगा ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। अगले दिन हम उसे एक ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसके पास जेरी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसे वन बेडरूम सेट मिल गया है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है और फौरन उसी दिन अपने सामानों को शिफ्ट करना शुरू कर देती है। और आखिर में जब वो चोरी चुपके अपनी कैट को ले जा रही होती है तो उसे वहाँ दूर खड़ा एक आदमी स्टॉक कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे देख पाती वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात ब्रायन से होती है जो उसे हेलो कहता है और बताता है कि आज रात में अपार्टमेंट में सभी लोगों ने बारबेक्यू पार्टी रखी है जिसमें कि तुम भी इन्वाइटेड हो, इसीलिए ज़रूर आना। सारा मान जाती है और फिर ब्रायन वहाँ से चला जाता है। उसे उसका बिहेवियर बहुत पसंद आता है और वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उसे लाइक भी करने लग गई थी। अब रात हो जाती है और सारा पार्टी में पहुँचती है जहाँ पर एडी उसे सभी से मिलवाती है, जिसमें एक लैस्टर नाम का आदमी भी मौजूद था। वो भी उसे मिलता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था और ये वही बंदा था जब सारा यहाँ पर आई थी तो उसे स्टॉक कर रहा था। वो सारा को एक बुक ऑफर करता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ब्रायन आता है और उसे पार्टी में लेकर चला जाता है, लेकिन लैस्टर अभी भी उसे ही देख रहा था। यहाँ हम क्लोज से लैस्टर को देख पाते हैं तो पता चलता है कि उसकी एक आँख नहीं है और उसका एक कान भी नहीं है, और ऐसा कैसा हुआ उसके साथ यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद अब सारा अपने रूम में आ जाती है सोने के लिए, लेकिन वो देखती है कि उसकी नींद की गोलियाँ खत्म हो चुकी है। उसे आज सोने में बहुत दिक्कत होती है, तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है जो कि साइड वाले ब्रांड के फ्लैट से आ रही थी, पर वो इग्नोर करती है और सोने की कोशिश करती है। अगली सुबह वो सबसे पहले तो अपनी मेडिसिन ऑर्डर करती है, तभी उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ती है जो किसी ने उसके गेट में डाला था, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि किसी को पता चल गया है कि उसके पास एक पेट है, यानी कि बिल्ली है। इसीलिए उसने ये अपार्टमेंट के रूल्स और रेगुलेशन वाला पैम्फलेट उसके घर में फेंका है। उसके नीचे ये भी लिखा था कि इस अपार्टमेंट में कई लोगों को पेट से एलर्जी है, फिर भी तुम इस पेट को लेकर यहाँ आ गई, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा,
सारा बाहर जाती है तो देखती है कि दूर लैंचेस्टर खड़ा हुआ है, पर उसे देखते ही वो वहां से भाग जाता है। अब वापस आते टाइम सारा को फिर से ब्रायन मिलता है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि कैसे कोई इंसान बार बार एग्जैक्ट हर दिन मिल सकता है। खैर वो उसे आज रात के लिए डिनर पर इन्वाइट करता है, जो कि सारा थोड़ी देर सोचने के बाद मान भी जाती है। जहाँ पर उसकी बॉस उसे आज बहुत ज्यादा काम दे देती है, जिसे सारा मना नहीं कर पाती। फिर क्या, वो देर रात तक काम करती रहती है, जिसमें लीजा उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। अब इसके बाद दोनों ही सारा की घर की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों ही थोड़ा चिल करते हैं। इसी बीच सारा बताती है कि वो जब से यहाँ पर आई है तभी से उसे सही से नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। आखिर वो करे तो करे क्या, और अपार्टमेंट में और किसी को पता चल भी गया कि उसके पास एक पेट है। तो लीजा कहती है कि अगर तुम ये जगह सही नहीं लग रही है, तुम्हें यहाँ पर आराम नहीं मिल पा रहा है, तो सिंपल छोड़कर इसे निकल जाओ। लेकिन सारा बताती है कि उसी ये घर उसके बजट में मिल गया है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, ऐसी जगह बार बार नहीं मिलती, इसीलिए वो थोड़ी दिन एडजस्ट करके देखती है, क्या पता धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। अब लीजा के जाने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन आधी रात उसे कुछ हलचल सुनाई देती है और इस बारी उसे कुछ बेक्ड होने की आवाज आ रही थी और स्मेल भी आती है। वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहां पर ओवन ऑन है, लेकिन उसके अंदर जो चीज मौजूद थी उसे देख कर वो दंग रह जाती है। दरअसल किसी ने उसकी बिल्ली को जिंदा ही ओवन में डाल दिया था और ये स्मेल उसी की आ रही थी। अब वो उसके आगे कुछ और सोच पाती कि तब तक उसके पीछे से कोई अनजान आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे घसीट कर कहीं ले जाने लगता है। जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि ब्रायन ही खड़ा हुआ था, जो कि उसे कहता है कि आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले। सारा को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद वो साइको किस्म का आदमी है, इसीलिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। वो खुद को फ्री कर लेती है और बाहर भागने लगती है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है, जिससे वो रोते हुए कहती है कि वो उसे मार रहा है। लेकिन वो लेडी बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देती है और फिर उसके बाल को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है, यानी कि वो भी ब्रायन के साथ मिली हुई है। और तब तक वहां ब्रायन पहुंच जाता है और फिर उसे करंट देकर रूम में ले आता है, जहां पर हमें पता चलता है कि असल में इस पूरे गेम में ये सभी फ्लैट वाले मिले हुए हैं। पर ये गेम है क्या और ये सारे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमें कुछ ही देर में पता लगेगा। पर फिलहाल के लिए वो उसे फिर से बेहोश कर देते हैं ताकि वो अपने पेंडिंग कामों को पूरा कर सके। दो दिन बाद जब सारा की आंख खुलती है तो इस बारी वो खुद को एक रूम में पाती है, जिसकी खिड़कियों को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि बाहर से कोई देख ना सके अंदर क्या हो रहा है। तभी वहां पर जेरी और ब्रायन आते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें वॉल के साइड में पोजीशन करके खड़ा होना है और तुम वो रेड लाइट देख रही हो ना, जब तक वो जलती रहेगी तब तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना। लेकिन वो मना करती और वो लोग लैंचेस्टर को बुला कर लाते और कहते हैं कि इसने भी ये करने से मना किया था, इसलिए हमने इसके साथ ये कर डाला। दोस्तों आपको पहले ही मैंने बताया था कि लैंचेस्टर की एक आंख और एक कान नहीं है, दोनों ही सिले हुए हैं, तो ये काम इन्हीं दोनों ने किया था। ये सब देखकर सारा बहुत डर जाती है और वो जैसे वो कहते हैं वैसे ही उनको फॉलो करती है। ये चीजें सारा के साथ कई दिन चलती रहती है, पर एक दिन वो थक कर गिर जाती है। तब उसके पास एडी आती है, वही ओल्ड लेडी जो उसे बेटी कहकर पुकार रही थी। सारा उसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, ये सभी के साथ हुआ है जो जो इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आए। यहाँ सारा को ये लगने लगता है कि उसके डैड अब उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और इसी चक्कर में वो अपने हाथों से उन कीलों को निकाल लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन उस रूम में जेरी आता है और उसे कॉन्ग्रेट्स करता है, तुमने इस टेस्ट को पार कर लिया है। जिसके बाद वहां पर कई सारी औरतें आती हैं जो उसे साफ करती हैं और उसको मरहम पट्टी करती हैं। सारा सभी के हाथ पर देखती है कि वो कील का निशान है, यानी कि एडी सही कह रही थी, सभी को ये टेस्ट पास करना ही पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद उसे फिर से रूम में लाया जाता है, जहां पर उसे मॉनिटर करा जाता है। उसके सामने बैठे थे दो इंसान, जेरी और ब्रायन। जेरी और ब्रायन उसे बुक देते हुए कहते हैं कि सभी लोग इसे पढ़ते हैं और आज से तुम भी इसे पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि इस अपार्टमेंट के लोग एक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, जिसके चार अहम तत्व हैं, जो कि है सेल्फनेस, अपोनेंस, एक्सेप्टेंस और लास्ट वन सिक्योरिटी। इन सभी के बारे में उस बुक में लिखा हुआ है। और इसके बाद सारा को फिर से उसी रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां पर वो दिन रात उस बुक को पढ़ती रहती है। जब भी वो बाहर आती है वो वहां पर रहने वाले लोगों को देखती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही ना। लेकिन मन ही मन सारा को बहुत डर लग रहा होता है, न जाने अगला टेस्ट कौन सा हो जाए। अब कुछ दिन के गैप के बाद फिर से उसे जेरी और ब्रायन बुलाते हैं उसका लाइव डिटेक्शन टेस्ट करने के लिए, जिसमें उसे उसके डैड के बारे में पूछा जाता है, जहां वो बताती है कि वो उनसे नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को धोखा दिया, वो भी एक ऐसी स्टेज पर जहां पर वो कैंसर से लड़ रही थी। उन्हें तो अपने आखिरी टाइम तक पता ही नहीं चला कि वो उन्हें चीट कर रही है। फिर एक दिन उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जेरी उसे पूछता है कि क्या वो उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहती है। वो कहती है कि उसे अभी थोड़ा और समय चाहिए,
तब तक वो समझ सके कि आखिर कैसे ये सारी चीजें काम करती है और क्या क्या उसके लिए जरूरी है या नहीं। अब अगले दिन से सारा उस अपार्टमेंट के सभी लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है। वो ज्यादा दिन गार्डन में बिताती है, वो सारी टास्क में भी पार्टिसिपेट कर रही थी और हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसे फिर से बुलाया जाता है पूछने के लिए कि क्या वो कम्युनिटी में शामिल होगी। और इस बारी भी वो वही जवाब देती है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए। तो फिर वो लोग उसे एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर उसके ऊपर हर वक्त नजर रखी जा रही थी, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। अब कुछ दिन बाद वो ब्रायन के साथ बारी अचानक से कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि सभी के ऊपर कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो वो ब्रायन से पूछती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो ये सब किसके ऑर्डर पर कर रहे हैं। लेकिन ब्रायन कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी उसकी नज़र एडी के रूम पर पड़ती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि वो चल नहीं पा रही है, इसीलिए वो उसके पास फौरन जाती है, उनकी मदद करती है। अब कुछ दिन बाद वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उन्हें लास्ट गुड बाय कहते हैं। लेकिन सारा के दिमाग में था कि अभी तो बिल्कुल ठीक है, इनकी इतनी बुरी हालत भी नहीं है, तो फिर ये लोग लास्ट गुड बाय कैसे बोल रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इस कम्युनिटी में जब भी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही मौत दे दी जाती है, वो खुद ऐसी मौत चुनते हैं। अब वो ये सोच ही रही होती है कि तभी एक आदमी आता है कुछ पॉलीथीन बैग लेकर, और वो एडी के मुंह पर लगा देता है, जिससे कि उसका दम घुटने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो जाती है। ये सारी चीजें देखकर सारा के होश उड़ जाते हैं, पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इसके कुछ देर बाद उसे फिर से बुलाया जाता है। इस बारी सारा कह देती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। अब ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर सारा के चेहरे से लग रहा था कि कुछ तो वो बड़ा करने वाली है जो शायद अभी तक कभी भी किसी ने नहीं किया। इसके बाद एक केक लाया जाता है इस खुशी में कि सारा इस कम्युनिटी में शामिल हो गई, और फिर उसके सर पर एक मार्क भी बना दिया जाता है एज ए कम्युनिटी टैग के तौर पर, और फिर उसे लैंचेस्टर के साथ पेयर अप किया जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और ये सब सारा चुपचाप सह रही थी। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके डैड ने इस घर के बारे में पता लगा लिया, वो उसे मिलने के लिए आए हैं, पर सारा को कहा जाता है कि वो उनसे पूरी तरह से रिश्ते को खत्म कर दे ताकि वो दोबारा से यहाँ ना आ पाए। जब वो अपने डैड को देखती है तो रोना शुरू कर देती है और उन्हें गले से लगा लेती है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन ये सब ब्रायन मॉनिटर कर रहा था। वो पीछे से एक रॉड लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर सारा को पता चल जाता है, इसीलिए वो उन्हें बुरा भला कह देती है और उन्हें यहाँ कभी ना आने को कहती है, जिससे कि वो चले जाते हैं और उनकी जान भी बच जाती है। और ये सब सारा ने बस उनकी भलाई के लिए किया था। अब फिर से इस घर के बाहर वैकेंट का बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे कि वहां पर कई सारे लोग फिर से आते हैं उस फ्लैट को देखने के लिए, जिसमें लीजा भी थी। जी हाँ, सारा की दोस्त लीजा। उसे इस घर के बारे में कुछ भी सच्चाई पता नहीं होती, पर जेरी उसे सेलेक्ट कर लेता है और उसे रूम दे दिया जाता है। पर सारा उन लोगों से कहती है कि लीजा बहुत ही अलग है, वो इतनी आसानी से ये सब नहीं मानेगी। तो जेरी कहता है कि तुम भी मान गई ना, वो भी मान जाएगी। धीरे धीरे करके लीजा के साथ भी वही चीजें होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो लोग उसके साथ वो कील वाला गेम शुरू करते हैं तो लीजा ब्रायन का कान काट लेती है और भागना शुरू कर देती है। तो ब्रायन सारा को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम जाकर इसे मनाओ और इसे शामिल करो हमारी कम्युनिटी में। वो अंदर जाती है तो देखती है कि लीजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उसे सारी सच्चाई बताती है, लेकिन लीजा कहती है कि मैं तुम्हारी तरह ब्रेन वॉश नहीं होंगी, तुम लोगों के साथ जो बुरा भला करते हो वो मैं नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी वहां पर जेरी आ जाता है तो उस पर एक स्क्रू ड्राइवर से वार कर देती है और गेट के बाहर आ जाती है, लेकिन इतने में जेरी उसे शूट कर देता है और वो वहीं मारी जाती है। अब ये देखकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो पागल हो जाती है और वो जेरी की बंदूक छीन कर उसे ये गोली मार देती है। तभी उसकी नजर उसके सर पर पड़ती है जहां पर वही सेम मार्क था, यानी कि वो इस कम्युनिटी का हेड नहीं है, उसने ये सब की शुरुआत नहीं की है। अब सारा वहां से भागना शुरू कर देती है, लेकिन अलार्म बज गया था, सभी लोग बाहर आ गए थे। इसी में ब्रायन भी होता है, वो उसे यहाँ से जाने को मना करता है, लेकिन सारा ने तो ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो सही समय का इंतजार कर सके, और अब वो समय आ गया है। तभी ब्रायन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कम्युनिटी असल में जेरी ने नहीं, चार्ल्स नाम के आदमी ने शुरू करी थी और उसकी 30 साल पहले मौत हो चुकी है, उसने ही वो बुक भी लिखी है और इसी कम्युनिटी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब सारा को जानना था कि इसके पीछे कौन है और वो अब जान चुकी है, इसीलिए वो ब्रायन को भी गोली मार देती है और वो गेट की ओर भागने लगती है, लेकिन वो तो लॉक है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो सारा को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लैंचेस्टर सारा की बंदूक ले लेता है और उस आदमी को शूट कर देता है। ये देखकर सारा भी दंग रह जाती है, क्योंकि उसने शुरू से ही लैंचेस्टर को एक खराब आदमी समझा था, लेकिन वह ऐसा नहीं था। वो उस गेट को भी खोल देता और सारा को भागने को कहता है और फिर उस गेट को बंद कर देता है ताकि अंदर वाले बाहर ना जा सके।
इसके बाद वो खुद को शूट कर देता है क्योंकि इसके बाद उसका क्या हाल होने वाला है ये हम सब जानते हैं। अब सारा बाहर आ जाती है पर रोड पर वो एक अजीब सी चीज नोटिस करती है कि हर प्रॉपर्टी के बाहर एक ही तरह का बोर्ड लगा हुआ है जैसे उसके अपार्टमेंट में लगा था, यानी कि ये काम हर अपार्टमेंट में हो रहा है या फिर ये कहें कि पूरी कॉलोनी में यही सब चल रहा है। बस फर्क इतना है कि वहाँ की कम्युनिटीज अलग अलग है लेकिन इन सभी का हेडक्वार्टर एक ही जगह है जो कि उसी गली में था। और जैसे ही उन तक खबर पहुंचती है कि एक इंसान भाग रहा है तो पूरी गली में पूरी स्ट्रीट में अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिसे सुनकर सारा एक डेविल स्माइल देती है और फिर तेजी से भागना शुरू कर देती है, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। आगे इस कहानी में क्या हुआ, क्या वो बच पाएगी या नहीं, या फिर उसे आधे रास्ते में ही मार दिया जाएगा, ये हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा। वेला आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।